हाय फ्रेंड, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। विटलिगो यानी कि सफ़ेद दाग एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक बार त्वचा में हो जाए तो पूरे शरीर को चपेट में लेकर के ही छोड़ता है। फिर आप कितने भी दवा लगा लीजिए, कितने भी क्रीम लगा लीजिए, ठीक नहीं होने वाला। और हाँ, मेडिसिन दवा से अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं, इससे तो बिल्कुल ही ठीक नहीं होने वाला। हाँ, आयुर्वेद में इसका कुछ ऐसा रामबाण इलाज छुपा हुआ है जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे सही तरीके से तो आप कितने भी पुराने विटलिगो की समस्या से परेशान है, चाहे आपके पूरे शरीर में फैल चुका है, तो आपके शरीर में पूरा फैले हुए विटलिगो यानी कि सफ़ेद दाग ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस दवा को तैयार करने के लिए आपको स्टील के गिलास रखनी है या जो है स्टील के एक छोटा सा कटोरी रख लीजिए। इसके बाद इस कटोरी या गिलास में आधा गिलास पानी होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आपको इसमें एक छोटा सा इस तरह से 10 ग्राम कत्थे रखना है। दोस्तों, ये वही कत्थे हैं जो हम पान में खाते चुने कत्थे ना, ये वही कत्थे हैं। तो आपको पान में खाने वाले कत्थे ले आनी, ये आपको नज़दीक के जो पंसारी दुकान है या पान की दुकान है वहाँ पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आप इसे इस तरह से गिलास में डाल दीजिए। दोस्तों, अब इसे आपको जो है गर्म करना है 15 मिनट तक पानी में मिलाकर के कत्थे को गर्म करना है। दोस्तों, ये 15 मिनट के बाद पूरे तरह से पानी में भीग करके दवा बन जाएंगे। इसके बाद इस दवा को आपको कटोरी में कुछ इस तरह से रख लेनी है। ये देख लीजिए, आपको कुछ इस तरह से रखनी है। अब यह दवा बन करके तैयार हो चुका है। मैं आपको नुस्खे बनाने की विधि बताऊँगा अभी। तो यह दवा एक सिंपल सी दवा बन करके तैयार है, इसमें दो दवा और मिलानी है हमें। तो आप इस तरह से एक सादे कटोरी रख लीजिए। इसके बाद आपको इसमें आपको कत्थे डालनी है। इसमें लगभग आपको 2 चम्मच कत्था मिला देनी है। इस तरह से हाफ थोड़ा थोड़ा सा चम्मच में आप कत्था मिला दीजिए। इसके बाद दोस्तों, इस कत्थे में आपको, अब दोस्तों इस नुस्खे में हमें दूसरा चीज़ ऐड करनी है, वह है ई केप। इस तरह से देख लीजिए, ई केप। आपके यहाँ इसे ई केप को कौन से नाम से जाना जाता है हमारे इस वीडियो में चल रहे आप स्क्रीन से देख सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से ई केप ले आने हैं और इसे आपको कैंची में काट करके मिलानी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से कैंची में काट लेनी है और इसे मिलानी है। तो कम से कम आपको 4 से 5 ई कप लेनी है इसमें। इस तरह से दोस्तों, अब आपको 3 से 4 या 4 से 5 ई केप इस तरह से मिला लेनी है। आप आंकड़ा लगा लीजिए कि आपके कितने हिस्से में सफ़ेद दाग हैं, उसके हिसाब से यह दवा ले सकते हैं। इसके बाद इन दोनों को मिक्स कर लीजिए, बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इस तरह से अब यह दोनों दवा बन करके तैयार हैं। अब इसमें हमें तीसरा चीज़ ऐड करनी है दोस्तों, वह थोड़ा सा हल्दी। इस तरह से दोस्तों, आपको आधा चम्मच इसमें हल्दी मिक्सअप कर देनी है। अब इसे आप मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल ही पेस्ट बन करके तैयार हो जाएंगे। ये देख लीजिए, यह रेमेडी कुछ इस तरह से बन करके तैयार है, ये देख सकते हैं। अब इसका प्रयोग आपको किस तरह से करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह से काटा रखना है, यानी कि आपको रुई रखना है और रुई में आपको इसे भिगा देना, इस तरह से डिप कर लेनी है। और आपके फिर जहाँ पर सफ़ेद दाग यानी कि विटलिगो है वहाँ पर इसे रुई में इस तरह से भिगा करके लगा देना है। इस तरह से भिगा करके लगा दीजिए। इस उपाय को अगर आप 1 महीने तक करते हैं तो 1 महीने के भीतर में आपके कितने भी पुराने सफ़ेद दाग होंगे, सफ़ेद दाग बिल्कुल ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल दिन में 3 बार करते हैं, सुबह शाम दोपहर, तो 1 सप्ताह के भीतर में आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे और 1 महीने के भीतर में आपके सफ़ेद दाग ठीक हो जाएंगे। हाँ, अगर आपके सफ़ेद दाग ज़्यादा पुराना है तो हो सकता है थोड़ा समय लें, लेकिन बिल्कुल ही दोस्तों आपके कितने भी पुराने सफ़ेद दाग होंगे वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो इस दवा का प्रयोग आपको पूरे विश्वास के साथ करना है, तब जा करके फायदे मिलेंगे और आपके सालों साल पुराने सफ़ेद दाग की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे छोटे से सिंपल सी जानकारी। हमारे यह वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इसी तरह के आगे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए और अपने कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।